वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक की बात की जाए तो आज 108.15 पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ चुका है। तकरीबन 1% तक गिरावट देखने को मिले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC स्टॉक में आज के दिन में। तो देखा जाए तो देख सकते हो कि 1% की गिरावट हो चुकी है अभी तक। तकरीबन जैसे ओपन हुआ तो गिरावट देखने को मिले, यहाँ पे गैप अप से ऊपर ओपन हुआ था 110 लेवल के। फिर यहाँ पे देख सकते जैसे ओपन हुआ गिरावट पर प्रीवियस क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, जैसे प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट किया तो और गिरावट देखने को मिले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक में। यानी कि ओपन हुआ था 110.55 या हाई बनाया था 110.70 का और लो है 107.50 का। मार्केट कैप जो है 1 लाख करोड़ का है। तकरीबन मार्केट कैप में गिरावट होकर 1 लाख करोड़ के करीब आता हुआ नजर आ चुका है। तो बाकी के डिटेल देखे जाए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन का वॉल्यूम भी देखा जाए तो 78 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला है अभी तक। और देख सकते हो कि निफ्टी में भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते 15,700 लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल बनी थी। पिछले मंथ ए मंथ में भी सपोर्ट लिया गया था, उसके पहले भी सपोर्ट लिए गए थे। तो वो लेवल को यहाँ पे आप देख सकते इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ चुका है यहाँ पे निफ्टी। तो नीचे गिरावट होने के चांसेस है, इसलिए स्टॉक में भी यहाँ पे आप देख सकते बहुत सी गिरावट देखने को मिले। जैसे कि पिछले देख सकते 4 दिनों से बेरिश मूवमेंट दिखाई दे रहे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक में, और 110 लेवल को भी आज फिर से देख ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ चुका है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक। तो नीचे जाने के चांसेस तो दिखाई देंगे, पर यहाँ पे आप देख सकते नीचे गिरावट भी होती है ज़्यादा तो 105 लेवल एक सपोर्टिव एक्ट हो जाएगी। उसके पहले देख सकते हो 106.7 लेवल जो है वो भी सपोर्टिव एक्ट का काम करेगी IOC स्टॉक के लिए। तो ये लेटेस्ट अपडेट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के लिए।